खबर 10। जय हो बाबा वैलेंटाइन के। अजी हमने कहा रोमांटिक मौसम आ गया है, यानी कि वैलेंटाइन्स डे आ गया है, और इस प्यार भरे मौके पर जबरदस्त भी अपना प्यार भरा नजराना लेकर आ गया है अपने रोमांस स्पेशल एपिसोड के साथ। मगर प्रॉब्लम यह है, बॉलीवुड या हीरो हीरोइनों के करंट रोमांटिक स्टेटस का पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ऐसे ही कंफ्यूज्ड कपल्स को डेडिकेटेड है हमारा ये एपिसोड, जिनको देखकर कहना मुश्किल है कि इनमें लव है या हेट है। बोले तो टोटल आई लव यू लाइक आई हेट यू कपल्स। नंबर 10 पर हैं गोलू मोलू साजिद खान और उनके अधन्न जैकलीन फर्नांडिस। जैकी बेबी को जब हाउसफुल 2 की कास्ट ने जैकी भाभी बोलना शुरू कर दिया, तब शक की सारी सुइयां घूम गई साजिद खान की तरफ। और साजिद जो सारी दुनिया पे जोक्स पे जोक्स मार मार के नहीं थकते, दुनिया को इस मामले में सफाइयां दे दे के थक गए भैया प्यार चीज ही ऐसी है कमबख्त। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि जैकलीन की कौन सी अदा उनको भा गई है और कैसे वो उनको पसंद आ गई। रिसर्चर्स का कहना है कि हाउसफुल में अधन्नो सॉन्ग देखकर साजिद का दिल धड़का होगा, और धन नो जैकलीन का दिल साजिद पे क्यों आया होगा, सोचो। रिसर्चर्स ने इस मामले पर भी रिसर्च की है। गौर से देखिए साजिद खान के सर को, घने मुलायम काले बाल, देखिए साजिद की ग्लोइंग स्किन, बेदाग निखरी हुई त्वचा, क्या रूप निखर आया है। वाह वाह, अब कोई भी हीरोइन जानना चाहेगी ना साजिद की इस खूबसूरत दमकती काया करास। और इस काम के लिए सबसे बेस्ट वे है साजिद के करीब रहना। But as they say, the way to a man's heart goes through his stomach. लेकिन डेजर्ट्स खा के सहारा डेजर्ट जैसी साइज की साजिद की बेली देख के मोस्ट ऑफ द हीरोइंस डेजर्टेड हिम। और मौके का फायदा उठा के जैकी बेबी ने साजिद के हार्ट में घर कर लिया और गुल खिलने लगे प्यार के, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। साजिद और जैकी तो इस मामले में खामोशी द म्यूजिकल ही बने हुए हैं, और इनकी खामोशी के बावजूद रोमांस के चांस पर डांस करने वाला ये कपल बन गया है हमारा आई लव यू लाइक आई हेट यू कपल नंबर 10। और नंबर 9 पर है जो कपल, वो बड़ा मेड फॉर इच अदर टाइप का कपल है, बॉय बड़बोला एंड द गर्ल विद द बिगेस्ट स्माइल इन बॉलीवुड। रणवीर 2 फिल्म सिंह और अनुष्का 2 हिट शर्मा की ये जोड़ी बड़ी फास्ट है हर मामले में। देयर फर्स्ट मूवी टुगेदर वाज बैंड बाजा बारात, जिसके आते ही दिखने लगे ये दोनों साथ, कभी रियल लाइफ में तो कभी रियल लाइफ में। दोनों अक्सर नजर आ जाते थे एक दूसरे को किसियां देते हुए। रणवीर सिंह पार्टीज के बाद एकदम जेंटलमैनली हरकत करते पाए जाते थे, जब वो अनुष्का के लिए कार के दरवाजे खुद ओपन करते थे। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखने लायक हुआ करती थी, और तमाम केमिस्ट्री के बाद भी इन दोनों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया जी कि ये फ्रेंड से ज्यादा कुछ और है। न्यू किड्स एज ओल्ड बहाना, आई टेल यू, बहाने वही रहते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। सुनने में यह तक आया कि लेडीज वर्सेस विकी बेल की गोवा शूट के टाइम अनुष्का एंड रणवीर वर शेयरिंग द सेम होटल। खैर रणवीर अनुष्का ने इतना सब होने के बाद भी कपल होने की बात को उसी तरह रिवील होने से बचाए रखा जैसे मल्लिका शेरावत अपने एसेट्स को रिवील होने से बचाए रखती हैं। वेल ऑलमोस्ट। बॉलीवुड की हर शादी, हर पार्टी, हर मुंडन में ये दो फिल्मी सितारे साथ साथ नजर आते आते अचानक लव पथ से अग्नि पथ वाले रूट में चले गए थे, जब शॉटगन कुमारी सोनाक्षी ने रणवीर में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया था, और तब इन दोनों के बीच की दूरियां उतनी ही बढ़ गई थी जितनी की KRK की आसन के साथ दूरियां हैं। मगर अब फिर दोनों साथ साथ नजर आने लगे हैं, लेकिन इनका रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड ही नजर आता है जी। अब छोटी सी उम्र में ऐसे महान स्टेटस हासिल करके ये दो नए नवेले सुपरस्टार्स अपने रिलेशनशिप को नो करते हुए आ गए हैं हमारे कंफ्यूज कपल्स, यानी कि आई लव यू ब्रैकेट लाइक आई हेट यू काउंटडाउन के नंबर 9 पर। 8 जबरदस्त। और नंबर 8 पर है सिद्धार्थ माल्या एंड वीबी का फारुकोन। सिड माल्या का बिजनेस है कैलेंडर्स छपवाना,
और दीपिका का काम था कैलेंडर्स पर छपना। खुद ही देख लीजिए। बेचारे सिडमिया मन ही मन में गाते रहते होंगे, कैलेंडर पे तेरी अजब सी अजब सी अदाएं हैं। मगर इंडिया में कोई काम बिना वेटिंग लिस्ट के हुआ है कभी? दीपी भैरी नाम की एक हुई, निहार पांडे और रणबीर कपूर जैसे कॉर्नर से रिबाउंड होकर जैसे ही फ्री हुई, सिड भैया ने कवर ले लिया। कभी दीपिका ने सिड के लिए केक बेक करने की प्रॉमिस की, तो कभी उनकी क्रिकेट टीम के जीतते ही इमरान हाशमियाना हरकत। मगर इतना सब करने के बाद भी हर बार दीपी बेबी सिड के मामले में ऐसी चुप्पी मार लेती है जैसे किसी ने उनसे सिड के बारे में नहीं उनकी एज के बारे में पूछ लिया हो। वैसे सिड भैया भी पीछे नहीं है। हाँ, वो अपने पूरे स्टाफ को साथ में लेकर दीपी की फ्लॉप अनफ्लॉप मूवी लफंगे परिंदे भी देखने पहुंच गए थे। भैया ऐसी हरकत तो इंसान तभी करेगा जब फ्रेंडशिप में अंधा होगा, लेकिन इस पर भी इन दोनों ने अपनी इस जस्ट गुड फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। और अब तो जी टाइम गुजरने के साथ साथ इनके ब्रेकअप की भी खबरें आने लगी है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये दोनों अभी भी इस रिलेशनशिप को लेकर उतने ही खामोश है जितना की ब्लैक फिल्म में रानी मुखर्जी और मिलाद। इनकी यही चप्पे इनको बना देती है अपने शो के आई लव यू लाइक आई हेट यू के कंफ्यूज कपल काउंटडाउन पर नंबर 8। जबरदस्त। और नंबर 7 पर है वो जोड़ी जिसके बारे में सच क्या है और झूठ क्या है ये पता लगाना उतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि विवेक ओबेरॉय की मूवी के लिए ऑडियंस मिलना। यस, इट्स दबंग बॉडीगार्ड सल्लू पाजी एंड चिकनी चमेली कटरीना कैफ। वैसे भी सल्लू पाजी रोमांस के मामले में इतने पैशनेट हैं कि उनको हर कन्या कहना चाहती है थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, आपके प्यार से लगता है। लेकिन सल्लू के प्यार से डरे बिना उनके दिल के स्विमिंग पूल में स्विम करने वाली कैटरीना के तो जलवे ही निराले हैं भैया। सल्लू के साथ उनकी फर्स्ट मूवी का नाम ही था मैंने प्यार क्यों किया। अब सोचिए अगर आगाज यानी कि बिगिनिंग इतनी कंफ्यूजन भरी हो तो आगे की कहानी में कितना कंफ्यूजन रहेगा। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी ना तो सल्लू मियां ने इस रिलेशनशिप को लेकर कोई एक्सेप्टेंस स्पीच दी, ना ही कटरीना मैडम ने अपनी अंग्रेजी हिंदी में इस मामले को लेकर कुछ कहा। और फिर एक दिन इन दोनों की अजब स्टोरी में एक गजब का छोरा पहुंचा जिसके आते ही आबो हवा में गजब का चेंज आया। लोग अभी अटकले ही लगा रहे थे कि सल्लू मियां वापस पहुंच गए कैच की गली में आया वर्ज करते हुए और फिर कार्ड बन गई सल्लू की हीरोइन एक साथ टाइगर में। रिसर्चर्स का मानना है कि सारे खेल के पीछे एक्चुअली सल्लू पाजी की कमिटमेंट है। कुछ क्यों भैया, एक बार जो सल्लू भाई ने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो वो खुद के भी नहीं सुनते। अब जो इंसान खुद की नहीं सुन पाता उसकी बात कोई और कैसे सुन पाएगा, बोला हाँ कि ना। बस इनके रिलेशनशिप का स्टेटस भी कोई नहीं सुन पाता इसलिए हमारे आई लव यू लाइक आई हेट यू कंफ्यूज कपल में नंबर 7 पर हमेशा साथ साथ रहकर भी ना ना करने वाले सल्लू पाजी और कैटरीना कैफ। 6 जबरदस्त। और अब नंबर 6 पर है 7 खून करने की यादी प्रियंका चोपड़ा और उनके नन्हे मुन्ने प्रेम शाहिद कपूर। शाहिद मियां हाइट में इतने छोटे हैं कि कमीने पूरी करने के लिए विशाल भारद्वाज को 2 शायद लग गए थे। खैर, इमोशंस हाइट नहीं बंदे के दिल की गहराई देखते हैं और उन्हीं इमोशनों के दलदल में फंसकर शायद प्रियंका मैडम को शायद मियां जम गए। मगर शायद भैया किसी भी मामले में अकेले नहीं आते, वो आते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। यू सी, वो कैन घोष को फिल्म शूट करना सिखाते हैं, परमीत सेठी को डायरेक्शन सिखाते हैं और विशाल भारद्वाज को मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, मतलब कहने का ये कि शायद मियां हर किसी की फटी चद्दर में टांग अड़ाते हैं। ऐसे में उनकी ये क्यूट क्यूट सी हरकत उनकी लव स्टोरीज में कैसे ना हो। बस ये उनका फरमान ये है कि वो किसी भी नॉन वेजिटेरियन लड़की से रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। और जी जरा गौर फरमाए, चिकन को अलविदा कहने की जगह अपने कबाब में हड्डी बने नए मित्र शाहिद कपूर को लाइफ से ऐसे निकाल फेंका प्रियंका ने जैसे लोग बिरयानी खाने के बाद हड्डी फेंक देते हैं। आथू, कहां तो वो जमाना था लेडीज एंड जेंटलमैन जब आईटी ऑफिसर्स भी शाहिद को प्रियंका के घर पे पाते थे। आहा, ब्यूटीफुल। और कहां अब उनको पिगी मैडम के दिल से यूं टरका दिया गया है जैसा उनका दिल दिल नहीं अंडे का छिलका हो। ओ लो 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 शाहिद,
लोगों को लगा ही था कि they're heading for Splitsville कि अचानक पिगी मैडम ने शाशा भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करवा दिया। हेलो कल्लो बात, अब आखिर स्टेटस है क्या? है क्या इन दो यंग बच्चों का रिलेशनशिप का? ये सोच सोच के सब परेशान है और इस कंफ्यूजन के स्टेट में फंसी हुई पिगी चॉप्स और शाशा की ये जोड़ी इसी के साथ बन गई है हमारे खानदान पर महा कंफ्यूज्ड। आई लव यू लाइक आई हेट यू जोड़ी नंबर 6 5 और नंबर 5 पर है नए नवेले प्रतीक बब्बर और उनकी ताजा तरीन मिस टीन क्वीन एमी जैक्सन। बॉलीवुड के किड ब्रिगेड की इस जोड़ी के मामले में जब भी मीडिया ने प्रतीक से कुछ पूछने की कोशिश की तो प्रतीक अपनी श्रिल मैस्कुलिन सी वॉइस में घबरा के बोलने लगते थे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। रिपोर्टर्स को काफी बाद में समझ में आया कि ये तो प्रतीक अपनी फ्लॉप मूवी दम मारो दम का डायलॉग बोल रहे हैं क्योंकि उस मूवी में उनका इसके अलावा और कोई डायलॉग तो था ही नहीं। रही बात एमी जैक्सन की, तो एमी से कोई सवाल करे भी तो कैसे? श्री राम राघवन ने बरसों पहले एक सस्पेंस मूवी बनाई थी एक हसीना थी और दूसरा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं एक दीवाना था के ये स्टार्स जो हर जगह हर कहीं आते जाते हैं साथ साथ और रिलेशनशिप को लेकर ये दोनों इतना सस्पेंस क्रिएट किए रहते हैं कि बाय गॉड की कसम डर लगता है कि कहीं इनके सस्पेंसफुल रिलेशनशिप को लेकर आरजीवी का उन्होंने सस्पेंस थ्रिलर ना बना डाले। बच कर यो प्रतीक और एमी, वरना मैगजीन वाले आप दोनों को 4 आने का भी भाव देने वाले नहीं थे। मगर देखिए आपने ढके छिपे रिलेशनशिप मिस्ट्री की माया कि हर मैगजीन हर गॉसिप में बस आप दोनों का ही नाम ऊपर आया। लेकिन जरा सोचिए तो सही, जबरदस्त के दरबार में जहाँ बड़े बड़े टॉप चंद टाइप के लोगों को नंबर लगवाने में उम्र निकल जाती है, आप दोनों हंसने खेलने की उम्र में ही आ गए हैं नंबर 5 पर। 4 और नंबर 4 पर हैं जॉन अब्राहम और उनकी मिस्टीरियस लेडी प्रिया। जॉन भैया जब बिप्स मैडम के साथ कंफर्म्ड रिलेशनशिप में थे तो इंडिया की करोड़ों कन्याएं रोज भगवान से उनके ब्रेकअप की दुआएं मांगती थी और उनके रूमर्ड ब्रेकअप की न्यूज सुनकर मंदिरों में प्रसाद चढ़ाती थी और एक दिन ये सारी मन्नतें मान ली गईं। जॉन बिप्स का सच्ची मुच्ची वाला ब्रेकअप हो गया, मार्केट से सिंगल जॉन के पोस्टर्स धड़ बिकने लगे, मोहल्लों में मिठाइयां बटने लग गईं और तो और जॉन की फर्स्ट टाइम कोई सोलो मूवी भी इसी चक्कर में हिट हो गई। मगर हायरी किस्मत, उसे फूटने की पता नहीं कैसी जल्दी पड़ी थी। लड़कियां खुशी ठीक से मना भी नहीं पाई थी कि जॉन मियां नजर आ गए एक अन्य कन्या के साथ। वह भी कोई बॉलीवुड ब्यूटी नहीं, एक नॉर्मल सी इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रिया के साथ। जॉन भैया प्रिया को अपनी गुड फ्रेंड बताते हैं और प्रिया से कोई पूछताछ करे भी तो कैसे, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के इंटरव्यू तो कोई पढ़ता नहीं ना। खैर उड़ती उड़ती खबर यह भी है कि जितना सीरियस जॉन अपने करियर को रिजरेक्ट करने के लिए है उतने ही सीरियस वो मिस प्रिया के लिए भी नजर आया करते हैं। और सुनने में आया है कि बड़ी जल्दी ये दोनों सुखी वैवाहिक जीवन में प्रवेश भी कर सकती हैं। अरे सुनी सुनाई खबरों का क्या है, वो तो सच भी हो सकती हैं, झूठ भी। So all you single girls out there, आपकी खुशी के लिए बता दें कि जॉन के दिल की बोगी में प्रिया जी की सीट कंफर्म हुई है या अभी भी वो वेटिंग लिस्ट में है? इसकी खबर आने तक I love you like I hate you express में इनका PNR स्टेटस है नंबर 4। 3 नंबर 3 पर है उलाला करती हुई भारी भरकम परफॉर्मेंस देकर अपने वजनदार एक्टिंग के लिए सबसे तारीफें पा चुकी बड़ी चोटी की एक्ट्रेस विद्या बॉम्बाट बालन और उनके खासम खास मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर जो है एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के हेड हॉन्चो। जैसी पिक्चर में विद्या बेबी के किसिंग सीन्स देखकर सिद्धार्थ रॉय कपूर को जरा भी गुस्सा नहीं आया था, ऐसा कहना है इन दोनों का। दे बोथ आर नॉट सीइंग ईच अदर, ये भी कहना है इन दोनों का। फिर आखिर ऐसी क्या हवा चली कि लोगों को लगा कि इन दोनों के बीच में कुच्ची कुच्ची होता है? सोचिए। स्वयं बालिका विद्या बालन ने अपने एक इंटरव्यू में फरमाया था कि शी वांट्स टू गेट डर्टी विद अ सर्टेन मिस्टर SRK। अब ये SRK असली वाले SRK यानी कि किंग खान तो हो नहीं सकते, तो इस कंफ्यूजन को जब तक ये दो लोग सुलझा नहीं डालते ऊ ला ला करते हुए इन दोनों को मिलता है हमारे फैंटास्टिक खानदान में आई लव यू लाइक आई हेट यू मीटर पर नंबर 3 का स्थान।
2 जबरदस्त। और नंबर 2 पर है अपनी बातों से बड़े बड़ों के तंबू में बम्ब करती सोनम कपूर और पुनीत मल्होत्रा, जिनकी आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी। क्या बात है, ऑपोजिट अट्रैक्ट टाइप की बात होगी, बाय गॉड। ये तो खैर सुनने में आया कि पुनीत मियां और सोनम बिटिया का दिल एक दूसरे पर तब आया जब वो दोनों गहरी प्यार भरी बातें करने वाली मूवी आई हेट लव स्टोरीज की शूटिंग कर रहे थे। लोगों को ये डिड्यूस करने में टाइम नहीं लगा जी कि मिस कपूर और मास्टर मल्होत्रा के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, वरना अपने हर डायरेक्टर और हर को स्टार के बारे में उल्टा शुल्टा बकने वाली मैडम सोनम आखिर पुनीत के मामले में इतनी खामोश क्यों है। फिल्म रिलीज के करीब 2 साल बाद सोनम पुनीत एक बार फिर इमरान खान की पार्टी में साथ साथ राख करते पाए गए थे। 2 साल सोनम को झेलने वाला इंसान या तो बहरा होगा या फिर ब्लाइंड इन लव। और ये चाहे बोलते रहे आई हेट लव स्टोरीज, अंदर ही अंदर सोनम पुनीत के बीच पक रही है कोई खिचड़ी, और यही अनडिस्क्लोज खिचड़ी इन्हें बनाती है आज का आई लव यू लाइक आई हेट यू। कपल नंबर 2, साजिद जैकलीन की हाउसफुल लव स्टोरी है नंबर 10 पर। नंबर 9 पर है बैंड बाजे बारात के साथ गुपचुप से अनुष्का रणवीर। कैलेंडर कैलेंडर पर है डेट करने वाले नंबर 8 दीपिका सिडमालिया का नाम। सल्लू कैट के अजब प्रेम की गजब कहानी है नंबर 7 पर। शाहिद पीसी की प्योर वेजिटेरियन कहानी है नंबर 6 पर। न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक प्रतीक एंड एमी जैक्सन है नंबर 5। जॉन और उनका इन्वेस्टमेंट, उनकी इन्वेस्टमेंट बैंकर फ्रेंड प्रिया नंबर 4 पर। विद्या बॉम्बास्टिक बालन और उनके सर्टेन SRK यानी सिद्धार्थ रॉय कपूर नंबर 33 पर। सोनम पुनीत की बड़बोली येट खामोश सी लव स्टोरी नंबर 2 पर। 1 जबरदस्त प्यार भरे रोमांस भरे एपिसोड में नंबर 1 पर BKC के अलावा और वो भी कौन सकता है। BKC मतलब बैंड्रा का कैसानोवा रणबीर कपूर। रणबीर सुनने में आया है आजकल रॉक कर रहे हैं अपनी रॉक स्टार को स्टार नरगिस द पाउटी फकरी के साथ। अब इस पाउचलिशियस बेब को हिंदी सिखानी हो या एक्टिंग के लेसन देने हो, रणबीर कोचिंग क्लास है 24/7 तैयार। क्योंकि RK ने दिल लगाया नरगिस में, जबकि उनको दिल लगाना चाहिए था नरगिस की कोचिंग में। गलती और क्या करे, और बैड एक्टिंग के मार झेले कॉमन मैन। मिलॉर्ड ये कहां का न्याय है। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, तमाम कोचिंगों के बावजूद अगर नरगिस में कुछ सुधरा है तो वो है उनके मन में RK की इमेज और RK की तरह रिलेशनशिप्स छिपाने की अदाएं। मगर सुनने में आया है कि नरगिस को स्पेशल बर्थडे ट्रीट RK ने एक चार्टर्ड प्लेन में दी। आओ ट्वीट है ना, इसलिए रिलेशनशिप की जलेबी को एक्सेप्टेंस की चाशनी में ना डुबो के छुपा रहे इस कपल को हमने अपने आई लव यू लाइक आई हेट यू काउंटडाउन में नंबर 1 का स्लॉट दिया है। बोलो बाबा वैलेंटाइन की जय। तो भैया ये था अपना आज का वैलेंटाइन्स और रोमांस से भरपूर और सस्पेंस से तरबतर वो एपिसोड जो डेडिकेटेड था उन सेलेब्स को जिनको देखकर कहना मुश्किल है कि इनमें लव है या हेट है। तो देखते रहिए Zoom, India's number one Bollywood channel। जबरदस्त।